नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं। मैं आपके साथ अंजन सिंह। आपको बता दें कि आज विधानसभा सत्र शुरू होने से पहले राजद फिर से हंगामा किया है और साथ ही साथ यह नारेबाजी भी किया है कि जिस तरह से RCP टैक्स की बात कर ले या शराबबंदी की कानून की बात कर ले या पथ निर्माण विभाग को लेकर लगातार जो है वो राजद के तमाम विधायक जो है वो प्रदर्शन करते नजर आए। तस्वीरें देखिए कि किस तरीके से जो तमाम राजद के विधायक हैं वो प्रदर्शन कर रहे थे और साथ ही साथ इस बात की जांच करने की मांग तमाम माले के भी जो विधायक हैं वो भी कर रहे हैं कि खगड़िया में जो स्कूल गिरा है, स्कूल का जो दीवाल गिरा है, 6 मजदूरों की उससे मृत्यु हुई है, इसकी भी जांच होनी चाहिए और साथ ही साथ शराबबंदी कानून जो है वह नारे में कहते हुए नजर आए हैं कि शराबबंदी कानून फेल है। साथ ही साथ उन्होंने यह भी नारा दिया है कि नीतीश कुमार का खेल है, शराबबंदी फेल है। और जिस तरह से बात कर ले कि RCP टैक्स वसूलना बंद करो, पथ निर्माण विभाग में घोटाला हो रहा है, इन तमाम आरोपों के साथ जो है वो सदन के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं। और साथ ही साथ जो RJD के मुख्य प्रवक्ता भाई वीरेंद्र हैं, उन्होंने कहा है कि सारी जगह पे जो है वो घोटाली हो रही है, पथ निर्माण की बात कर ले, शराबबंदी की बात कर ले या जो पथ निर्माण में जो बिल्डिंग बन रहे हैं, इन तमाम चीज़ों में घोटाला हो रहा है, RCP टैक्स वसूला जा रहा है। इन तमाम बातों को लेकर भाई वीरेंद्र ने जमकर जो है प्रदर्शन किया है। तस्वीरें देखिए कि किस तरीके से जो भाई वीरेंद्र हैं वो प्रदर्शन करते नज़र आ रहे हैं। साफ तौर पर नारेबाजी चल रहा है कि जिस तरह से शराबबंदी कानून हो या RCP टैक्स हो। साथ ही साथ आपको बता दें कि कल भी जब प्रदर्शन कर रहे थे तो शराबबंदी कानून को लेकर जो है वो भी कल भी हंगामा हुआ था और नित दिन जो है शराबबंदी कानून को लेकर हंगामा सदन में देखने को मिल रहा है। अब देखने वाली बात यह होगी कि जिस तरह से लगातार हंगामा चल रहा है और आज भी यह हंगामा हुआ है और इनका कहना है कि आज सदन में भी इस बात को उठाया जाएगा कि जिस तरह से RCP टैक्स वसूला जा रहा है, पथ निर्माण विभाग में घोटाला हो रहा है, शराबबंदी कानून फेल है, इन तमाम मुद्दों पर आज बिहार विधानसभा जब सत्र शुरू होगा उस दौरान अंदर सदन में भी चर्चा होगी। क्या कुछ कह रहे हैं भाई वीरेंद्र वो सुनिए। के नाम पर केवल RCP टैक्स वसूला जा रहा है, पथ का निर्माण कम हो रहा है, RCP टैक्स का लेना ज्यादा है और एस्टिमेट घोटाले हो रहे हैं, अनुसूचित जातियों के साथ अन्याय हो रहा है, अनुसूचित जातियों पर कहर ढहाया जा रहा है, इसलिए आज हमारा महागठबंधन RJD तेजस्वी प्रसाद यादव के नेतृत्व में लड़ाई लड़ेगा और पथ निर्माण और अन्य विभागों में जो लूट हो रही है और RCP टैक्स लिया जा रहा है उसका कड़ा विरोध करने के लिए सदन के अंदर और सदन के बाहर में हम लोग विरोध कर रहे हैं। Hello.